तो ये देखिए फाइनली मूंगफली और नारियल की चटनी बन के तैयार है फ्रेंड्स। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा कहीं इसका टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल और मूंगफली की चटनी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 50 ग्राम के आसपास मूंगफली लिया है और 50 ग्राम के आसपास नारियल, जो कि मूंगफली को हमने हल्का सा रोस्ट करके उसका छिलका निकाल दिया है और नारियल के भी छिलके को हमने निकाल लिया है। 2 हरी मिर्च लिया हमने और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी हरी धनिया और भुना हुआ जीरा जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो नारियल और बादाम के छिलके के साथ ही इस चटनी को बना सकते हैं। तो हमने एक जार लिया है और उसमें मूंगफली को डाला है, उसके बाद फिर नारियल को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेंगे ताकि अच्छे से पीस जाए इसमें। उसके बाद 2 हरी मिर्च इसमें डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से डालेंगे जितना कम ज़्यादा पसंद हो। उसके बाद अदरक और थोड़ी सी हमने हरी धनिया यहाँ पर डाला है, आपको इसका टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ी मात्रा इसका और बढ़ा दें आप। तो ये देखिए इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली तो इस प्रकार से पिसाया है। तो थोड़ी सी पानी डाल के हमने इसे एक कटोरे में निकाल लिया है और इसमें हम नमक पहले नहीं डाला था तो अभी इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा तैयार है। अब इसमें थोड़ी सी हम छौंक लगा देंगे। छौंक के लिए हमने सरसों तेल और खरा सरसों और 2 से 3 सूखी मिर्च का प्रयोग किया है। तो ये देखिए हमारा चटनी कुछ इस प्रकार से बना है। और अब हम इसमें भुना हुआ जीरा का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे डालेंगे। भुना हुआ जीरा लगभग हमने 1/2 चम्मच के आसपास प्रयोग किया है। आपको इसका भी टेस्ट कम ज़्यादा हो तो आप अपने हिसाब से इसे बड़ा घटा सकते हैं। तो अब हम थोड़ी सी इसमें हरी धनिया से गार्निश कर लेते हैं और थोड़ी सी हम इसे मिला लेंगे चम्मच की मदद से। तो ये देखिए इस प्रकार से इसका टेक्सचर है। आपको कम ज़्यादा गाढ़ी रखनी हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से इसका थिकनेस अच्छा है। और तो ये फाइनली हमारा बनके तैयार है, मूंगफली और नारियल की चटनी। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद हो तो हमें कमेंट करके बताएं और आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएं। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।